मैंने सुना था ये देश आजाद है हमारा, फिर समझ में आया बहन बेटियों के लिए नहीं थी ये आजादी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। जी हाँ, मतलब मैं अभी सो के बना रहा हूँ, अभी उठा नहीं हूँ। तो आजमल आया था हमको उठाने के लिए, तो फिलहाल अजमल हमको उठाया, तो मैंने सोचा कि आज से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। जो कि आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि मैं एक चैलेंज स्टार्ट कर लिया हूँ, जिसमें मुझे एक साल तक मुझे इसी रूम पर रहना है, बिना वजह घर से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, मैं पहले उठ लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो फिलहाल बात यह है कि फिलहाल अभी हम चलते हैं नहाने के लिए, एंड नहा के आते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो फाइनली मैं नहा कर आ चुका हूँ। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो मैं चीज़ ये चीज़ जिस मैं लिखा था, पूरे रात को 2 बजे लिखे थे। ठीक है, दिखाते हैं आपको क्या लिखे थे और आपको पूरा डिटेल में अच्छा तरीके से पढ़ के सुनाएंगे। तो ये आज़ादी के बारे में है, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 2 बजे रात को जो मैं लिख रहा था, तो मतलब नींद नहीं आ रहा था, तो इसके कारण मैं 2 बजे रात को लिखा हूँ ये वाला। तो हम सोचे कि चलो यार, एक मेरे तरफ से भी होना चाहिए, जो कि इतने बड़े बड़े क्रिएटर उसके नाम पर कर रहे हैं, इस लड़की के नाम पर तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी तो एक छोटा मोटा क्रिएटर ही हैं। तो फाइनली मैं पूरा रेडी हूँ आप लोगों को चीज़ सुनाने के लिए, मैं बेताब हूँ। और हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन आप लोग संभाल लेना। ठीक है, और शेयर करना हो तो आप इसको, इस वीडियो को इस यहाँ से, मतलब जहाँ से हम बोलेंगे वहाँ से कट करके आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिना धड़क। बिकॉज इसलिए कि जो सच है वही मैंने लिखा है, और इसको मैंने चार से पाँच लाइन में लिखा हुआ है। तो आज़ादी ? ठीक है, मैंने सुना था ये देश आज़ाद है हमारा, फिर समझ में आया बहन बेटियों के लिए नहीं थी ये आज़ादी। तो फिर ये नारा हर तरफ क्यों गुंजाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर बेटी तो मैंने पढ़ा ली लाखों का टैक्स देकर, भी हम बचा ना पाए उसको उसी के पैसे खाकर। जहाँ जरूरत हो वहाँ चुप हो जाता है सरकार हमारा, क्या सच में ये देश आज़ाद है हमारा। मैं समझ सकता हूँ कि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा कट करके बनाया हूँ, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैंने रात भर बहुत सोच समझ के लिखा था। और इस पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बिकॉज इसलिए कि मैं इस पर ना, मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ ना भाई, मतलब ये सब देखने के बाद ना मुझे भाई बहुत ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा। तो बस यही है कि आज मेरे तरफ से ये आप लोगों के सामने पेश किया हूँ, तो आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं बिना धड़क। आई वॉन्ट टू बी ए फ्रीलांसर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं बनना जा रहा हूँ, तो 1 साल तक मैं इसी रूम पे रहूँगा। ठीक है, बिना वजह से मैं रूम से बाहर नहीं जाऊँगा, सिवाय खाना खाने के, पापा को स्कूल जाने के लिए, और नमाज वमाज हम फिलहाल घर में पढ़ रहे हैं, और साथ साथ में क्या बोलते हैं उसको यार, तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद, थोड़ा नाश्ता वास्ता करके आते हैं उसके बाद। तो फिलहाल गाइस क्या हो पता है, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो वो चीज़ मैं क्लिप को रिकॉर्ड करके उसको मैंने इंस्टा पर भी, मतलब थोड़ा सा एडिटिंग करके और इंस्टा पर भी मैंने उसको अपलोड कर दिया है। एंड अभी खाना वाना खा के थोड़ा सा आयरन कर रहे थे पापा का, तो आयरन करके हम ऊपर आ चुके हैं, और अभी हमको करना है एक ठीक और ठीक चाहिए थोड़ा सा पीछे ऐसे करके मुंह बंद। तो गाइस अभी मतलब फिलहाल मतलब सो के उठ रहे हैं, क्लिक कर रखे, और हाँ राइटिंग आज हम इंग्लिश लिखने की ट्राई कर रहे थे। ठीक, मतलब तो कुछ भी लिखे हैं। तो फिलहाल मैं अभी नहा के आ चुका हूँ, और इसका नेक्स्ट डे है जो कि, एंड अभी नाश्ता वास्ता करने के लिए तैयार है और नहा कर भी रेडी हो चुके। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा भी ब्लॉग को अच्छा लगा है, और वो वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, जो कि, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग जस्टिस फॉर कोलकाता केस ये ज़रूर लिखना, ताकि अगर मोदी जी तक ये पहुंच जाए तो फिर शायद हो सकता है कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।